अमित शाह होरें आखिया कि अमरनाथ यात्रुओं वास्ते सखल्ले दर्शनों की व्यवस्था करना मोदी सरकार की प्राथमिकता। सुरक्षा बल के जम्मू कश्मीर पुलिस के आतंकवाद विरोधी अभियान रैली चलाने के दिए निर्देश। शहरी हवाबाज के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होरें आखिया कि अगले चौं वरें च मुल्क च 200 हवाई अड्डे जल ड्रोन से हैलीपैड बनाने की है सरकार की योजना। सरकार ने डॉक्टरें नर्सें से नीम मेडिकल कर्मी आस्ते शुरू किए राष्ट्र आपात जीवन सहायक कोर्स। नाबार्ड ने जम्मू कश्मीर से लद्दाख की ग्रामीण अर्थव्यवस्था च अपनी प्रतिबद्धता की बधाई अगड़े 2021-22 बरे आस्ते 1500 करोड़ रुपए किए मंजूर। नमस्कार, डोगरी खबरें सुनदा स्वागत है। मैं अमालू शर्मा से उन खबरों तफसील करने। गृहमंत्री अमित शाह ने आख्या कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की बिजन कुसे परेशानी या रुकावट के दर्शन कराना सरकार की तरजीह है। उन्हें कल नवी दिल्ली से एक उच्च स्तर की बैठक दौरान अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्हें निर्देश दिए यात्रुओं के रोने बोने बिजली पानी सिंचाई से सेहत संबंधी प्रबंध किए जान। अधिकारियों मुताबिक गृहमंत्री और सुरक्षा बलों से पुलिस की आपसी तालमेल बनाते हुए कश्मीर घाटी च आतंकवाद रोधी अभियान चलाइए आतंकवादियों का खात्मा करने के निर्देश दिए ताकि यात्रा दौरान कोई खलल नहीं पवे। आंदी अमरनाथ यात्रा दौरान जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन जम्मू यात्री भवन थमां लेइए बनिहाल तोड़ी यात्रा के रस्ते की साफ सुथरा बनाए रखने के जम्मू शहर च सबने यात्री शिविरें की दिखरेख करोग। जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता होरें दूरदर्शन समाचार की दस्या कि जम्मू यात्री भवन समेत जम्मू शहर के सबने शौचालयों से शिविरें की साफ सफाई कारपोरेशन आसिया की जाग। उन्हें दस्या कि कारपोरेशन आसिया अमरनाथ यात्रा शुरू होने थमां पहले बनिहाल तोड़ी के रस्ते च शौचालयों का निर्माण भी किया जाग। पहली बार इस बार सरकार की तरफ से ये काम दिया गया है कि जहाँ जहाँ यात्री निवास होंगे जहाँ जहाँ यात्री ठहरेंगे बनाल से लेके अपना लखनपुर तक और पुंछ तक वहाँ तक सारा काम जो है उनको रहने की व्यवस्था जो होगी बाथरूम्स होंगे सैनिटेशन का काम होगा सफाई का सारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस काम को बहुत जल्द करने जा रहा है वहाँ से उठाएगा। ये सारी जिम्मेवारी म्युनिसिपैलिटी ने उठाई है। हम ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करेंगे क्योंकि लोग बाहर से आएंगे वो देखेंगे सफाई देखेंगे वो खुश होंगे। कार्मिक जन शिकायतें ते पेंशन संबंधी महकमे के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या कि भारत के सुशासन ते चुनाव संबंधी सुधारें के विश्व के नेकां मुल्कां से अपनाया जा करदा है। एक गल उन्हें गांबिया सरकार के स्थाई सचिव कन्ने गलबात करते हुए आखी जिहड़े सार्वजनिक नीति ते शासन बारे समर्थन निर्माण के एक हफ्ते के कार्यक्रम वास्ते भारत आए दिन सिंह होरें सचिवें कि प्रशासन च टैक्नोलॉजी आधारित सुधार लागू करने लिए आख्या। उन्हें दस्या कि पिछले तकरीबन 8 बरें च भारत ने बिजन मनुखी दखलअंदाजी दे सेवाएं की दस्तयाबी वास्ते शासन सुधारें संबंधी सुधारें च बड़े पैमाने पर टैक्नोलॉजी की वरतून की है। भारत ने आंदे त्रों बरें च घट्टो घट 200 मिलियन यात्रियों की सेवा उपलब्ध कराई हवाई यात्रा की डुआरियों की दुगना करने का लक्ष्य मिथद है। इसके लिए सरकार आंदे चौं बरें च मुल्क अंदर 200 हवाई अड्डे वाटर ड्रोन ते हैलीपोर्ट बनाने की योजना तैयार करा करती है। आकाशवाणी समाचार ने आख्या है गलबात करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया होरें आख्या कि पिछले 8 बरें च 67 नवे हवाई अड्डे वाटर ड्रोन ते हैलीपोर्ट बनाए गए हैं। लिखी दिशा पहले 17 बरें च सिर्फ 74 हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन बारे मंत्री होरें आख्या कि हवाई संपर्क च वाधे कारण हवाई यातायात च भी मता वाधा हुआ है। सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया होरें आख्या कि सेहत ते कल्याण केंद्र सबने की बिजन वाजिब मुल्ले पर सेहत सुविधा उपलब्ध कराने च महत्वपूर्ण भूमिका निभाग। जंदी शामी नवी दिल्ली च सेहत ते कल्याण केंद्र संबंधी 18 राज्यों की आयुष्मान भारत की थर्ड आंकलन रिपोर्ट जारी करते हुए डॉक्टर मांडविया होरें आख्या कि सरकार हर एक आदमी तोड़ी बेहतरीन सेहत सुविधा पहुंचाना चाहती है। उन्हें आख्या कि रिपोर्ट भविष्य लई योजना तैयार करते वेले दिशा निर्देश का काम करोग। उन्हें भी आख्या कि राष्ट्र की हर एक थार तोड़ी सेवा पहुंचाने की यकीनी बनाने के केंद्र सरकार टेलीपरामर्श लई राज्यों ते केंद्र सहयोग करा करती है। रिपोर्ट मुताबिक 77 राज्यों च आयुष्मान भारत सेहत ते कल्याण केंद्र योजना दिसंबर 2022 तोड़ी मिथे गए लक्ष्य की हासिल करने की दिशा च काम करा करती है।
सेहत राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार होरें अज नवी दिल्ली च डॉक्टरें नर्सें ते नीम डॉक्टरी अमले लई राष्ट्रीय एमरजेंसी जीवन रक्षा कोर्सें दा शुभारंभ किया। सिखलाई मॉड्यूल दे कन्नो कन्नी कार्यक्रम च सबने राज्यें ते केंद्र शासित प्रदेशें च एक कोर्स अमल च आनने लई सिखलाई सरबंधी बुनियादी ढांचा विकसित करना भी शामिल है। एक कोर्स अस्पताल दे एमरजेंसी विभागें ते एम्बुलेंस सेवाएं च काम करने वाले डॉक्टरें नर्सें ते नीम डॉक्टरी अमले की सिखलाई देने वाला कैडर भी तैयार करोग। मंत्री होरें आखिया जे प्रधानमंत्री मोदी होरें हमेशा नागरिकें की वाजिब मुल्लें पर बेहतरीन सेहत सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर पाया। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सपर्टीज के माध्यम से चाहे वो डॉक्टर्स है नर्सेस है पैरामेडिक्स है इनको दिया जाए और ये गांव गांव तक सुविधा पहुंचे। मुल्खा च राष्ट्रीय टीकाकरण मुहिम तहत उन्ने तोड़ी 191.65 करोड़ कोला बद कोविड रोकथाम टीके लाए जा चुके दिन। पिछले 24 घंटे दौरान 15 लाख कोला बद लाभार्थियों के टीके लाए गए। 12 थमां 14 बरे दे 3 करोड़ 21 लाख थमां बद बच्चें की टीके की पहली डोज लग चुकी दी है। जिंदे 24 घंटे दौरान कोविड के 1829 नवे मामले दर्ज किए गए जिले के इस अरसे दौरान 2549 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे सक्रिय मरीजों की गिनती 753 मामले की कमी आई है। इस अरसे दौरान 33 मरीजों की मौत हो जाने कन्ने उन्ने तोड़ी इस बीमारी कारण मरने वाले लोगों की गिनती 5,24,293 हो गई है। ठीक होने वाले मरीजों की शरह 98.75% बन गई है। इस दौरान राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की केंद्र की तरफा उन्ने तोड़ी 193.53 करोड़ समा बद कोविड टीके हासिल कराए जा चुके दिन जल्दी की राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को अजे भी 17 करोड़ को बद टीके बकाया पे। डोडा जिले च केंद्र सरकार की ABPMGAY स्कीम हेठ 100% लोगों की आनने लई सेहत विभाग स्कूली शिक्षा विभाग के सहयोग करने जिले के विद्यार्थियों लई आयुष्मान भारत ते सेहत कैंप दा आयोजन करा करदा है। आयुष्मान भारत के जिला कोआर्डीनेटर डॉक्टर आदिल फारूक मलिक होरें दस्या जे जिले च 3,55,117 काबिल लाभार्थियों चा 2,61,676 की योजना हेठ दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने दस्या जे 100% लोगों के पंजीकरण लई अजे थमां विशेष कैंप दा आयोजन किया जा करदा है। गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि हमें 100% पूरा अचीव करना है टारगेट अपना, लेकिन अभी हमारा सिर्फ 70% अचीव हो चुका है। जो रेस्ट ऑफ द 30% हमारा है वो हमने जल्द से जल्द कवर करने के लिए स्पेशल कैंप्स लगाने शुरू किए हैं। गोल्डन कार्ड बन रहा है, हम बहुत खुश हैं कि ये फैसिलिटी हमें स्कूल में मिल रही है, हर स्कूल में मिल रही है। हमें फैसिलिटी दी है कि गोल्डन कार्ड स्कूल में बनने के लिए है और इसमें बहुत अच्छी स्कीम है जो स्कूल में बच्चों को मिल रहा है। राष्ट्रीय कृषि ते ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण खुशहाली की बदाने लई राष्ट्रीय विकास बैंक दे अपने नजरिए ते मिशन की ध्यान च रखदे होई ग्रामीण अर्थव्यवस्था दे बक बक सैक्टर लई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च बरा 2021-22 दौरान लंबी अवधि आले विकास लई सहयोग च वाधा कीता है। नाबार्ड ने माली बरा 2021-22 दौरान 1,542 करोड़ रूपये मंजूर किए हैं जड़े कि जंदे बरे थमां 92.75% बद है। एदे कन्ने कि केंद्र शासित प्रदेशों च ग्रामीण अर्थव्यवस्था च वाधा होग ते होरने सैक्टरों की भी बढ़ावा थोक। बरे दौरान नाबार्ड ने जम्मू कश्मीर लई विकास पैकेज के बख बख घटके तहत 1,892.73 करोड़ रूपये दिते ने। इन्हें घटकों च बुनियादी ढांचे का विकास केंद्रीय सैक्टर स्कीम तहत FPO की प्रमोशन JLG ते SHG का दर्जा बढ़ाना GI रजिस्ट्रेशन की सहयोग आत्मनिर्भर भारत पैकेज अखरोट केसर ते स्याऊ तहत क्षेत्र के विस्तार लई द्वार कर्जे भी शामिल न। रामबन जिले के सब डिवीजन बनिहाल की नगाम पंचायत च गरीब लोगों लिए प्रधानमंत्री आवास योजना तहत पक्के मकान बनाए जा करते हैं। इस योजना तहत घरों के निर्माण का काम ग्राम विकास विभाग आसिया किया जा करता है। योजना थमाला हासिल करने वाले लाभार्थी पहले कच्चे मकान च रोते हैं जिसके कारण उन्हें की मती परेशानी पेश आती है। पक्के मकान थोने करने वह मते खुश और उत्साहित न। प्रधानमंत्री मोदी उनके दूरदर्शी नेतृत्व हेठ लोग अपने क्षेत्र च विकास दिखाते हैं। जिन्होंने हमें मकान यहाँ भेजा, हमको बैठने के लिए छात नहीं थी और उन्होंने ये मकान हमको दिलाया। शुक्रगुजार है सरकार से कि हमें ये मकान उन्होंने दे दिया। या हमारे पास कच्चा मकान था, पक वाले आए हमारे मकान को चेक करने कैसा है क्या है वो भी, और हम एक महीने के अंदर अंदर हम यहाँ बच्चे ला सकते हैं। प्रधानमंत्री के आवास योजना से जो मिला है हम शुक्रगुजार है। आकाशवाणी से दूरदर्शन समाचार दिया साबका डायरेक्टर जनरल बिमला पल्ला उनका चंदी राती काल हो गया। उनका खीरी संस्कार राज बड़ले नवी दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट च किया गया। उन्हें नवंबर 1990 थमां लेइए सितंबर 1992 तोड़ी आकाशवाणी के महानिदेशक के तौर पर अपनी सेवा दित्तियां। इहदे कन्ने कि उन्हें सूचना ते प्रसारण मंत्रालय तहत बख बख मीडिया इकाइयों च बख बख अहुदे पर भी काम किया।
भारतीय नौसेना ने आज पहली बारी बालासोर के संगठित परीक्षण रेंज थमां स्किंग 42B परां स्वदेशी युद्ध पोत भेती मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एक ट्वीट च भारतीय नौसेना ने आख्या है जे परीक्षण मिसाइल टैक्नोलॉजी च आत्मनिर्भरता पक्षी एक महत्वपूर्ण गैं है ते इहदे कन्ने भारतीय नौसेना की स्वदेशीकरण की वचनबद्धता पक्की हुंदी है। उन्होंने नौसैनिक युद्ध पोत भेती मिसाइल के रक्षा अनुसंधान ते विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग ने तैयार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ भारतीय नौसेना और होरने संबंधित दलें की एक सफल परीक्षण ताई बधाई दी है। उन्हें आख्या कि भारत ने स्वदेशी डिजाइन से मिसाइल प्रणाली विकसित करने च बड़ी समर्थ हासिल कर लेती है। त्रिकुटा दी पहाड़ियों लगी की अग्गे के कारण श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन बोर्ड के अधिकारियों यात्रा के नवे मार्ग उपर एहतियात के तौर पर बैटरी कार सेवा की रद्द कर दिता है। हालांकि रवायती मार्ग राय यात्रा व्यवस्थित ढंग चला करती है। जंदे ऐतवार शामी वेली सांझी छत हैलीपैड कने लगते जंगले च अग भड़की दी। इस दौरान महकमा जंगलात जम्मू कश्मीर पुलिस फायर ब्रिगेड का अमला अग उपर काबू पाने की कोशिश च लगे रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तहत जम्मू कश्मीर के छेवीं जमात थमां अठवीं जमात तोड़ी के सबने विद्यार्थियों की व्यवसायिक शिक्षा के बुनियादी हुनर का ज्ञान कराने वास्ते पेशेवराना संस्थान कने जोड़िया गया। केंद्र शासित प्रदेश के 714 सैकेंडरी ते सीनियर सैकेंडरी स्कूलों चा 14 बख-बख शोबे च पेशेवराना शिक्षा दी जा करती है। मती आज रियाले स्कूलों की आंदे वरें च स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा जिथे सबे बुनियादी सहूलत उपलब्ध कराई जाएंगी। युवाएं की शक्ति की सही दिशा देने उनकी शख्सियत सुधारने ते उन्हें की भविष्य दी चुनौतियों लई तैयार करने लई प्रदेश की हर पंचायत च घट्टो घट 5-5 सदस्यों लई यूथ क्लब बनाए जा करते हैं। इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उनके पास 626 पेशेवराना प्रयोगशालाएं के उद्घाटन मगरा जम्मू कश्मीर की सुविधा का आंकड़ा 850 तोड़ी पुज गया। सरकार पास हर बरे 9वीं थमां 12वीं तोड़ी की जमाते के 70,000 विद्यार्थियों की व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जा करती है। उनके चा मते सारे की संबंधित क्षेत्र च रोजगार हासिल हुआ करता है। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। हर बरे दिहाड़ा 18 मई की लोगों अजायबघरें बारे जागरूकता पैदा करने मनाया जाता है। अजायबघर सांस्कृतिक आदान प्रदान के लोगों बिकार आपसी समझ साथ सहयोग से रमानदारी के विकास का एक अहम सरिस्ता है। यह दिहाड़ा अंतर्राष्ट्रीय अजायबघरें की भूमिका पर भी लोभ आता है। संग्रहालय एक समाज के विकास की टकोदी भूमिका निभाते हैं। हर बरे इस दिहाड़े एक खास विषय तय किया जाता है। इस बरे का विषय है अजायबघरें की ताकत। अंतर्राष्ट्रीय अजायबघर दिवस के मौके पर अज उधमपुर च डोगरा प्राचीन संस्कृति उपर एक प्रदर्शनी का सरिस्ता किया गया। प्रदर्शनी च अनिल पावा हुंदे आसिया किट्ठी कीती गई प्राचीन चीजा रखिया गईयां हियां। दूरदर्शन समाचार कन्ने गलबात करते हुए अनिल पावा होरे अपने संग्रहालय बारे दस्या। मैं पिछले 30-32 साल से जम्मू कश्मीर की विरासत को बचाने में कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पे उधमपुर में हजारों की संख्या में बोलियाँ हैं, पांड्स हैं जो बहुत पुराने हैं, 15वीं शताब्दी के बाद मिलते हैं। बोलियाँ हमें कुषाण पीरियड से आनवर्ड मिल रही हैं, लेकिन इनको बचाना भी हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के गठन से उनके बढ़ावे लिए केंद्र सरकार की योजना तहत नाबार्ड जम्मू कश्मीर सांबा जिले च एफपीओ योजना की अमल जानने है। इसके तहत खुंबे से बासमती चौलें की काश्त करने वाले किसानों के सहयोग लिए एफपीओ का गठन किया गया। बासमती चौलें संबंधी एफपीओ के सदस्यों की मयार भी उपलब्ध कराने लिए जिले के रामगढ़ ब्लॉक के खोड़ सलारियां ग्रां च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके डीडीएम सांबा शैलेश शर्मा और एफपीओ सदस्य करने गलबात की थी तो उन्हें की बासमती दे भी बंडे। हमें खुशी है कि जहां पर नाबार्ड ने जो एफपीओ बनाया है हमारे गांव में सब लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। बाहर से बीज मंगवाया जा रहा है और सबको सब्सिडी पे दे रहे हैं। बासमती राइस के जो किसान हैं आज हमने उनको सब्सिडी रेट पे बीज प्रोवाइड कराए हैं। इससे हमारा उद्देश्य यही है एफपीओ में पहले उनको इनपुट की जितनी जरूरतें हैं खाद बीज। वन्य जीव सुरक्षा विभाग ने उधमपुर के टांडे पार्क च 32 चीतीदार इरने, 2 बार्किंग इरने ते 1 गोरल इरन की पक्ष की गर्मी शा बचाने लिए खास प्रबंध किए ने। वन्य जीव विभाग ने बत्ते पारे थमां राहत पहुंचाने लिए जानवरें ते रेंगने वाले जानवरें लिए विशेष बंदोबस्त किए ने। उन्हें की गर्मी के हिसाबे खास खुराक ते पानी की मती मात्रा वाले दुआने सैला चारा ते खीरे जने फल दिते जा करते हैं ताकि उनके शरीर च पानी की कमी नहीं होए। 11 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स ब्रिगेड के कमांडर राजेश शर्मा और अंत जिला पुलिस लाइन रामबन च व्हाइट नाइट क्रिकेट प्रीमियर लीग के प्री क्वालीफायर मुकाबले का उद्घाटन किया। जिले दिया 16 टीमां प्रतियोगिता च हिस्सा लै कर दिया ने। इसका फाइनल मैच 24 मई की खेडिया जाग। टूर्नामेंट की जेतु टीम 2-15 जून तोड़ी अखनू च खेडी जाने वाली प्रतियोगिता च हिस्सा लैग। युवाएं टूर्नामेंट का आयोजन करने लिए सेना की सराहना की है। बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव स्टेप है इंडियन आर्मी का, क्योंकि वो यूथ्स को हमेशा एंगेज करते हैं बाकी ड्रग से हटाकर स्पोर्ट्स की तरफ। एदे कन्ने के डोगरी खबर दा बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।